Hello everyone, my name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification, Improvement of Someone. So through this video, we are going to start our last topic and that one is decentralization in India. And as you know, video ke end mein aap se main puchungi question, so be ready for that. So let's start. Now, decentralization in India. Why there is a need of decentralization? We have noted above that federal government have two or more tiers of government. हमने देखा कि federal system में या federal government जो है वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा level की government होती है. And if we talk about India, अगर India की बात करते हैं तो India is a vast country. और क्योंकि India एक बहुत बड़ी country है तो यहाँ पर जो country है वो दो level of government से चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर थर्ड टायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो अगर हम बात करें स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स की, तो इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडिया, इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडिया यूरोप में. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया. उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है. महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है. सो मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स ऑल्सो. और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डाइवर्स हैं. तो इसलिए यहाँ पर थर्ड टायर यानी कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट वन इज़ द लोकल गवर्नमेंट. सो वॉट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन वेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट. This process is called decentralization, or it is called decentralization. जब power central और state से लेकर local government को दे दी जाती है तो वो process कहलाता है decentralization का. Next, we have the reasons for decentralization. Decentralization के पीछे reasons क्या रहे या decentralization के पीछे reasons क्या क्या हैं? So as we know, India is a vast country. इंडिया जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है. और क्योंकि इंडिया बड़ी कंट्री है तो कहीं ना कहीं बड़ी कंट्री होगी तो प्रॉब्लम्स भी बड़े होंगे, इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होंगे. यस, आर यू एग्री विद दिस? यस, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे, इश्यूज़ ज़्यादा होंगे. देन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उस लोकल एरिया में जो रह रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी उस प्रॉब्लम की, उन इश्यूज़ की उन्हें ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी. एंड they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. अगर हम local government बनाते हैं तो जो local government में जो सरकार होगी वो कहीं ना कहीं उस local area को अच्छे से जानती होगी, उसको अच्छी knowledge होगी वहाँ की, तभी तो वहाँ की problem और issues को वो सॉल्व कर पाएगी. लेकिन अगर हम state के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं आप ही को local areas देखने हैं, तो शायद ये state के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ की problems को अच्छे से देख पाना, वहाँ की problems और issues को अच्छे से ख़त्म कर पाना. देन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ द लोकल लेवल, इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. अब क्या है, क्योंकि अब लोकल गवर्नमेंट होगी तो यहाँ पर जो लोग हैं वो एक तरह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग में, यानी कि डिसीजंस लेने में पार्टिसिपेट कर पाएंगे. एंड दिस हेल्प टू इनकल्केट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. देन लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एंड दिस गवर्नमेंट इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट. ये जो गवर्नमेंट है जहाँ पे जो थर्ड टायर की जो गवर्नमेंट है उसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट. और इन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए थर्ड जो लेवल है वो बनाया गया. एंड दैट वन इज़ द लोकल गवर्नमेंट. नाउ दिस नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी हुई है. लेकिन उसके बाद भी जो पंचायत है गांव के लेवल पर, विलेज लेवल पर जो पंचायत है, और जो अर्बन एरियाज़ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो स्टेट में म्यूनसिपैलिटीज़ जो सेट करी गई हैं, कहीं ना कहीं ये अभी भी डायरेक्टली कंट्रोल में थी स्टेट गवर्नमेंट के,
और होता क्या था, जो इलेक्शंस थे वो लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते थे वो रेगुलरली नहीं होते थे, और साथ ही साथ जो पावर्स और रिसोर्सेज थे वो भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही थे. सो देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म. डिसेंट्रलाइजेशन हो तो गया लेकिन अभी भी जो पावर्स थी वो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी. इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे थे, रिसोर्सेज इनके पास नहीं, रिसोर्सेज लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं थे, पावर्स इनके पास उतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो गया. देन वन मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992. 1992 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, एक स्टेप लिया गया, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट टू टेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. ये जो 1992 में जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था. तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और ये अमेंडमेंट इसलिए किया गया या जो अमेंडमेंट जो है वो इसलिए करी गई कि जो थर्ड टायर जो है उसको पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जाए. नाउ सो सम स्टेप्स आर टेकन टू मेक दिस थर्ड टायर मोर पावरफुल, एंड द स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप इज द रेगुलर इलेक्शन. रेगुलर इलेक्शन इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, ये मैंडेटरी बना दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन लोकल बॉडीज में होंगे ही, अब होने ही हैं. सेकेंड वन इज़ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड OBCs. अब जो है वो रिजर्वेशन भी दे दिया SC, ST और OBC कैटेगरी को. सीट्स आर नाउ रिजर्व फॉर दीज कैटेगरीज. देन थर्ड वन इज़ 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेंस. अब लोकली लेवल पर जो सीट्स हैं, पंचायत लेवल पर और म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, जो लोकली लेवल पर हम कह सकते हैं जो सीट्स हैं वुमेंस के लिए वो रिजर्व कर दी गई. वो 1/3 जो सीट है उस पर सिर्फ एक वुमेन और सिर्फ एक फीमेल जो है वही वोट लड़ सकती थी, नाउ लड़ सकती है. नाउ फोर्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल इलेक्शंस. अब एक एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन, जो कि देखता है कि हर जगह पर या हर लोकली लेवल पर जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी से ये सब चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एज वेल एज द रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट्स. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपनी पावर्स और साथ ही साथ जो रेवेन्यू उनको मिलता था उनका, उसका कुछ पार्ट लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता था. ओके, एंड द नेचर ऑफ दिस शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और जो ये शेयरिंग होती थी, जो रेवेन्यू और जो पावर जो शेयर हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेट के एरिया वाइज और वहाँ का किस तरह का नेचर है, नेचर ऑफ दिस शेयरिंग वेरीज स्टेट टू स्टेट. अगर स्टेट बड़ा है तो पावर्स ज़्यादा दी जाती थी, छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको पावर्स दी जाती थी. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एंड दिस वन इज एट रूरल लेवल. नाउ सो रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज भी कहते हैं, या फिर पंचायती राज को हम रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं. अब इसमें होता क्या है, जो ये पंचायती राज है वो 3 लेवल्स पे होती है, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो सबसे पहले बात करते हैं हम विलेज लेवल की, गाँव के लेवल से शुरू करते हैं. तो ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत. अब हर एक विलेज में, या फिर हम कह सकते हैं छोटे छोटे जो विलेजेस हैं, छोटे छोटे जो गांव हैं, वो एक साथ आकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, और इस ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको हम जनरली पंच भी कहते हैं, और प्रेसिडेंट और सरपंच भी कहा जाता है. देन जो ये पंच सरपंच जो इलेक्ट किए जाते हैं, वो गांव के ही एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो उनको वोट देकर जिताती है या फिर इलेक्ट करती है. तो गांव की पॉपुलेशन, इट्स ऑब्वियस कि जो 18 ईयर्स से ज़्यादा के होंगे उस गांव में, वो लोग इनको वोट देते हैं और इनको जिताते हैं. देन अब जो ये हमारी ग्राम पंचायत है, ये आती है ग्राम सभा के अंडर में.
ये ग्राम सभा के अंडर में आती है और जितने भी वोटर्स होते हैं वो इनके मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, जितने भी वोटर्स हैं वो इस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और ये जो ग्राम सभा है इनको ग्राम पंचायत से या जो ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं उनसे साल में 2 या 3 बार मिलना होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो मिलकर ये डिस्कस करते हैं, ये बात करते हैं कि कितना एनुअल बजट चाहिए उस गांव को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जानने के लिए, एक रिव्यू करने के लिए कि किस तरह का परफॉर्मेंस ग्राम पंचायत ने दिया है या किस तरह से परफॉर्म किया है ग्राम पंचायत ने उस साल में। तो 2 या 3 बार जो ग्राम पंचायत है और जो ग्राम सभा है वो साल में 2-3 बार मिलती है और डिस्कस करती है और डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग द विलेज कि किस तरह से विलेज को, किस तरह से गांव को डेवलप किया जाए। नाउ द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज़ राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। अब ब्लॉक लेवल पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो ब्लॉक्स होते हैं, अब जो ये ग्राम पंचायत एक साथ इकट्ठी होती हैं, अब जैसे हमने विलेज लेवल पढ़ा था कि छोटे छोटे गांव एक साथ इकट्ठे होकर ग्राम पंचायत बनाते हैं, उसी तरह से जो छोटे छोटे ग्राम पंचायत हैं, अलग अलग जो ग्राम पंचायत हैं वो इकट्ठी होकर एक पंचायत समिति फॉर्म करती है। अब पंचायत समिति फॉर्म होने के बाद जो इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं उस एरिया के, वही इलेक्ट करते हैं। एंड जितने भी ये पंचायत समिति और मंडल हैं ये एक साथ इकट्ठे होकर बनाते हैं हमारे एक जिला परिषद बनाते हैं। तो जो यहाँ पर है, जो ब्लॉक लेवल में हमने देखा कि जो पंचायत समिति है वो ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत, जो अलग अलग ग्राम पंचायत जब वो इकट्ठी होती थी एक पंचायत समिति बनाती है, और ये जो है, ये जो इस पंचायत समिति में जो लोग होते हैं वो उस पंचायत के मेंबर ही इलेक्ट करते हैं, और इसको जो इसके हेड होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं वो प्रेजिडेंट कहलाते हैं या फिर BDO कहलाते हैं। देन अब हमने देखा कि जितने भी पंचायत समिति और जितने भी मंडल्स हैं और जितने भी पंचायत समिति और मंडल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में वो सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि ग्राम पंचायत मिलती हैं और बनाती हैं पंचायत समिति, उसी तरह पंचायत समिति मिलती हैं और बनाती हैं एक जिला परिषद। तो जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है और इसमें जो MLAs हैं हमारे, जो हमारे MPs हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब जो जिला परिषद जो है, जिला परिषद के हेड को हम कहते हैं जिला चेयरपर्सन और जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। तो सिर्फ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि विलेज लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत यानी कि छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको इकट्ठा करके या छोटे छोटे गांव एक साथ आकर ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, और जो वोटर्स होते हैं वो उस गांव के ही होते हैं और उसके वहां के हेड को कहते हैं, वहां के हेड को कहते हैं प्रेसिडेंट, सरपंच या फिर पंच। दूसरा हमारा ब्लॉक लेवल जिस पर पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति अगेन यानी कि जहां पर ग्राम पंचायत इकट्ठी होती हैं, 2-3 ग्राम पंचायत इकट्ठी होकर पंचायत समिति बनाती हैं, और ये लोग जो हैं ये उसी एरिया के जो लोग हैं उन्हें इलेक्ट करते हैं और यहाँ के हेड को कहते हैं BDO या फिर ब्लॉक पंचायत प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है जिला परिषद जो कि इससे थोड़े से ऊपर लेवल पे होता है जिला परिषद, ये सभी भी रूरल लेवल पर ही है। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है और MLAs और MPs इनके एक मेंबर्स होते हैं कहा जा सकता है, और साथ ही साथ यहाँ का जो हेड होता है वो जिला चेयर पर्सन होता है। ओके, आई होप इतना क्लियर है सबको। यह है एक छोटा सा फ्लो चार्ट। तो इसमें अगर आप देखो तो ग्राम पंचायत ये विलेज लेवल पर होता है, गांव के लेवल पे। रूरल को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण एरिया यानी कि गांव का एरिया। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है एंड जिला परिषद होता है। ओके, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट। अब जो ये लोकल गवर्नमेंट है वो सिर्फ गांव में ही नहीं होती हैं, शहर में भी होती हैं, शहर में होती हैं और ये लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ में जो है वो है म्यूनसिपैलिटीज़ और हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो टाउन लेवल पे काम करती हैं,
टाउन्स के लेवल पे काम करती हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बड़े बड़े शहरों में काम करती हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होते हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ को अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इन्हें नगर निगम कहते हैं या फिर नगर परिषद कहते हैं। ओके, तो जो नगर निगम है वो टाउन के बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है, छोटे शहरों में, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़े बड़े शहरों में काम करती हैं। अब म्यूनसिपैलिटी के जो हेड हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन, यहाँ के जो हेड है वो कहलाते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड होते हैं वो कहलाते हैं मेयर। ओके, आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर है कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो टाउन लेवल पे काम करती हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम करती हैं, और म्यूनसिपैलिटी के जो हेड होते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन होते हैं, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड होते हैं वो हमारे मेयर्स होते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ योर क्वेश्चन टाइम, फाइंड आउट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इन द विलेज और टाउन यू लिव इन। तो ये था आज का लेसन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।